उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनिया दुग्गल और उनके टीम के द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजेश्वरानंद भारती नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य कांता अजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें हरिद्वार के स्वामी रामदेव के योग पीठ से प्रशिक्षण लेकर आए हुए योग गुरु राजेंद्र कुमार द्वारा ककीरा स्कूल के प्रांगण में योग कराया गया, जिसमें सभी प्रकार के योग के बारे में विस्तार से योगासन सिखाया गया। योग आसन के अंत में आयुष विभाग तुनहट्टी की ओर से सभी आने वाले मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मन में ये भाव कि मैं उस दुनिया को सागर में विलीन कर देती हूँ, इसी तरह से हमें भी उस असीम उसका हार्दिक धन्यवाद। आई एम डॉक्टर सोनिया, SDMO तुनहट्टी। आज हमारा जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है वो पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हिमाचल में हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन है वो चंबा चौगान में है, और जो सब डिवीज़न लेवल का फंक्शन वो सारे सब डिवीज़न में अपने अपने जो आइकॉनिक प्लेसेस है वहाँ पर किया जा रहा है। और सब डिवीज़न तुनहट्टी का जो था वो हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककीरा में आयोजन किया है अभी। तो इसमें जो है इसका पूरा आज का थीम है योगा स्वयं के लिए और अपने समाज के लिए। तो योगा जो है अपने लिए हमारे लिए भी बहुत योग मतलब महत्वपूर्ण है, और जो समाज हमारे को देख के जो समाज इसको सीखेगा तो वो भी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारा इससे लाभ प्राप्त करेगा। तो योग जो है सभी को अपनाना चाहिए, इससे हमारी शारीरिक और मानसिक बहुत सारी विकृतियाँ जो है वो ठीक होती हैं, और हम जो है बिना किसी मेडिसिन के अपने आप को स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं। योग जो भारत की पुरानी एक धरोहर है, जीवन पद्धति है, हमें उसके ऊपर जितना गर्व करें उतना ही कम है। और हम आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने इस विधा को संपूर्ण विश्व को परिचित करवाया इस विधा से। और आज हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, इसका जो थीम है मातृशक्ति के लिए योग, कि हमारी मातृशक्ति नारी शक्ति आगे होगी तो हमारा पूरा राष्ट्र, हमारा पूरा समाज जो है तरक्की की ओर बढ़ेगा। इसके क्या क्या फायदा है योग करने से? योग से के जितने फायदे हम कहें उतने ही कम हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से हमारे मन की जो वृत्तियां हैं वो उनका निराकरण होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, योग हमें इससे मिलाता है। तन देह मन बुद्धि आत्मा और परमात्मा का एक समन्वय योग है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? योग को एक जीवन का अभिन्न अंग बनाइए, योग को धारण करिए, और जो हमारी ऋषियों की वर्षों पुरानी सदियों पुरानी परंपरा है उसका जो लाभ वो लेते थे आप स्वयं भी लाभ लीजिए, जीवन में सफल समृद्ध और सौभाग्यवान बनिए।